Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. सबको पता था आप बताते रहते थे कि आप देख लीजिए सरप्राइज होगा बट टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा सरप्राइज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया तो आपके लिए क्या उधर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था वेस्ट बंगाल में लगातार 3 दशक तक लेफ्ट वामपंथी वहाँ राज करने के बाद ममता जी बहुत संघर्ष के बाद आई और लोगों की अपेक्षा थी कि ममता जी आने के बाद जिस कारण से लोगों ने लेफ्ट को हटाया था वो कारण शायद समाप्त हो जाएगा और एक डेमोक्रेसी आएगी तानाशाही समाप्त हो जाएगी हिंसा समाप्त हो जाएगी एक शांति आएगी प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट होगा विकास होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा पर दुर्भाग्य से उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं और बल्कि प्रजातंत्र की गतिविधियाँ कम हुई तानाशाही बढ़ी हिंसा बढ़ी और यहाँ तक कि विपक्ष को एकदम कुचलना प्रारंभ कर दिया तो एक हत्याओं का दौर प्रारंभ हुआ पहले कांग्रेस के लोग मारे गए फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्या हुई सीपीएम के लोगों की हत्याएं हुई और एक ऐसा हत्या का युग प्रारंभ हो गया कि लगभग मैं 4.5 साल से प्रभारी हूँ यदि मैं कल की परसों की हत्या मिला दूँ तो 103 कार्यकर्ता हमारे इन 4.5 वर्षों में मारे गए अपराध उनका एक ही सिर्फ क्यों भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं जो हिंसा की राजनीति वहाँ पर प्रारंभ हुई और एक सिंडिकेट राज ये शायद शब्द जो बंगाल की राजनीति को नहीं समझते उनको नहीं पता होगा लोगों में एक थोड़ा सा अनरेस्ट होता ही पर लगा कि कांग्रेस नहीं है सीपीएम करीब करीब ख़त्म हो गई कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके पास हम जाकर खड़े हों मैं जब 4.5 साल पहले मुझे प्रभारी बनाया गया और मुझे अमित शाह जी ने कहा कि मेरे नज़र में 2 राज्य ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन है केरल और पश्चिम बंगाल तो क्या पश्चिम बंगाल की जवाबदारी तुम ले लो मैं जब गया और जाने के बाद मैंने वहाँ का पूरा वातावरण देखा तो मुझे लगा कि यहाँ तो हमारी स्ट्रेंथ वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ और यहाँ पर संगठन का विस्तार करके इस पार्टी के बराबर खड़ा होना तो उनका 15 साल का एजेंडा तो कम से कम होगा ही जब मैं 2 बार दौरे करके और अध्यक्ष जी के साथ बैठा तो अध्यक्ष जी ने बोला नहीं 5 साल के लिए भेजा तुमको कोई 15 साल रहना नहीं है और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ पूरी तरीके से तुम बताओ क्या क्या करना है फिर मैंने अपनी गतिविधियाँ और तेज़ी से बढ़ाई वहीं मैंने अपना एक फ्लैट ले लिया और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना वहाँ की समस्या सुनना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना का ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करना ये लगभग हम लोगों ने मेरे साथ सुरेश पुजारी उड़ीसा के एक कार्यकर्ता हैं वो शिवप्रकाश जी जो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं हम तीनों ने लगातार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से पूरे प्रदेश के दौरे प्रारंभ किए तो मैं जिधर से आता था वो इधर से आते थे और हम दोनों फिर एक तो एक बार हम दोनों स्टार्ट करते थे तो हम दोनों का एक जिले में एक महीने में 2 बार दौरा हो जाता था 2.5 महीने के अंदर 2 बार दौरा हो जाता था इस मोबिलाइजेशन के कारण कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा पर उसके बाद कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार भी बढ़े मारपीट बढ़ी और वहाँ जो राजनीतिक वातावरण है वो ऐसा है कि टीएमसी के भी 2 ग्रुप हैं 3 ग्रुप हैं क्योंकि जो सिंडिकेट राज है वो सिंडिकेट अलग अलग लोगों के हैं तो उस बात को लेके झगड़े हो जाते थे तो उनके झगड़े ऐसे होते थे कि एक सिंडिकेट का दूसरे सिंडिकेट के ऊपर हमला होता था मर्डर भी हो जाते थे इन 3 साल में ममता जी के जो अभी वाला टेन्योर है 65 टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी मर्डर किया शायद देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के जो सत्ता में है उसके कार्यकर्ता इस प्रकार एक दूसरे का मर्डर करें ये बंगाल पहला प्रदेश होगा पर उसमें टीएमसी कार्यकर्ता मर्डर करते हैं पर अपराधी बनाया जाता है कोई भी विपक्ष के राजनीतिक दल का जैसे मेरी पार्टी के कम से कम 150 से ज़्यादा लोग 302 के अपराध में जेल में बंद है जिन्होंने मच्छर भी नहीं मारा तो इस प्रकार आतंक फैलाना विपक्ष को कुचलना इसके बीच में पार्टी का काम खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व अमित शाह जी की रणनीति और हम लोगों की कर्मठता के कारण हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट में अपना संगठन का विस्तार करते रहे हमने काम खड़ा किया और बिल्कुल लो प्रोफाइल में कोई पब्लिसिटी नहीं और हमारे संगठन को मजबूत करते रहे बस इसीलिए जिस प्रकार आपने कहा कि
हम पूछते थे बंगाल में क्या होगा, तो ये लोग कल्पना करते थे कि ऐसा लगता है कि आपकी पहले दो थी तो अब चार या छः तो आ ही जाएगी, ऐसा ये लोग बोलते थे मुझसे। तो फिर मैं कुछ, क्योंकि मेरा टारगेट 25 का था और मैं इनसे कहता मैं 25 लाऊंगा तो ये हंसते मुझे जोकर कहते, पर मैंने कहा नहीं आपको आश्चर्य, मैं एक ही शब्द कहता था कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, आपको चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, बस कि ये हमारी संख्या 25 पहुंचती यदि इलेक्शन के दौरान हिंसा नहीं होती। इतनी हिंसा हुई इलेक्शन के दौरान भी, सेंट्रल फोर्स मांगा और आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य में इतना सेंट्रल फोर्स नहीं दिया जितना इस विधानसभा के चुनाव में दिया। के बाद भी लोगों ने मतदान किया और 18 सीट जीती, इसका मतलब है लोगों में काफ़ी जन आक्रोश। आपको क्यों चुना वेस्ट बंगाल के, कुछ कारण तो होगा? वैसे ये प्रश्न तो आपको अमित शाह जी से पूछना चाहिए, पर फिर भी मेरा अनुभव जितने भी जनरल सेक्रेटरी में है उनसे थोड़ा ज़्यादा है। मैं पार्षद रहा, मेयर रहा, 6 बार विधायक रहा, और मैं जिस एरिया से पहली बार चुनाव लड़ा था वहाँ इंटक और एटक था, और वहाँ पर भी ऐसी हिंसा होती थी जैसी बंगाल में हो रही है। आज से 90 के युग में वहाँ पर, इंदौर नाम सुना है आपने सबने, इंदौर में टेक्सटाइल मिल हुआ करते थे पहले, और ट्रेड यूनियन वहाँ पर बहुत आंदोलन बड़ा ज़बरदस्त होता था। मेरे पिताजी मिल में मजदूर थे, तो मैं मिल बस्ती में मजदूर बस्ती में रहता, अभी वहीं रहता हूँ, वहीं रहता था, तो मैंने ये सब लड़ाई झगड़े, उस समय बम पिस्तौल कम चलती थी, तलवार हाकी ये ज़्यादा चलती थी, वहीं से मैंने प्रारंभ किया। तो शायद अमित भाई को सब मेरे बारे में मालूम था, तो उन्होंने कहा कि इसी को भेजो, इसने सब देखा है। आपका प्रश्न कुछ प्रतिशत तक सही है, पर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, उसके लिए ममता जी ही जिम्मेदार है। जैसे सरकार की, मैं पहली बार गया जब कलकत्ता, और कलकत्ता से जैसे एयरपोर्ट से जाते हैं तो बीच में शॉर्ट लेक एक इलाका आता है, वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, और वहाँ ऐसे नमाज पढ़ते हुए एक फ़ोटो देखा मैंने, तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा ये फ़ोटो किसका है, फेस मुझे ममता जी का देखा, तो मैंने बोले ममता जी, मैंने कहा ममता जी नमाज पढ़ रही, तो बोले हाँ 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 ये अभी उर्स है यहाँ पर तो आती है नमाज पढ़ने। मैंने देश में किसी भी ऐसे हिंदू नेता को ऐसे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। आपने देखा है किसी को, आप लोगों ने किसी को देखा है किसी हिंदू नेता को ऐसे नमाज पढ़ते हुए? मैंने सिर्फ उन्हीं को देखा। तो ये जो किसी भी चीज़ का अतिरेक होता है ना, वो बड़ा रिएक्शन करता है। तो पूजा अब सबसे बड़ा त्यौहार होता है, पूजा में अगर दुर्गा पूजा के विसर्जन को इसलिए रोका जाए कि उस समय मुहर्रम है, तो लोगों में रिएक्शन होगी। फिर लोगों ने कोर्ट गए, कोर्ट से परमिशन मिली, और दुर्गा पूजा में जब विसर्जन में साधारणतया जिस मंडप की 1000 भीड़ होती थी, जब कोर्ट से परमिशन लेके आए तो 10,000 भीड़ हो गई, तो वो रिएक्शन हमारी नहीं थी, पब्लिक की रिएक्शन थी। फिर इसके बाद आपको ध्यान होगा कि एक मालदा जिला है, वहाँ कालियाचक एक स्थान है, वहाँ थाने में आग लगा दी थी और सब जितने वहाँ पर हिंदू परिवार से सबको मार के भगा दिया था। पता नहीं आप लोग स्टोरी करने में क्यों घबराते हैं ऐसी, मुझे नहीं पता। राइट स्टोरी जो वहाँ हुआ और जो अत्याचार हुआ वो कहीं किसी भी अखबार में नहीं छपा। उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि किस प्रकार है AK-47 आती, कितने लोग मकान खाली करके चले गए, पोलिंग बूथ का एजेंट नहीं हमारे पास, बाहर असिस करने वाला आदमी नहीं, और उसके बाद हमें लोग वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब है उनके मन में रिएक्शन है। गाँव में बम फेंक दिया रात में, फिर गाँव की महिलाएं इकट्ठी होती कि हम वोट डालने जाएंगे, पुलिस को बुलाती है और पूरा की पूरा गांव वोट डालने आता है, उसमें बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं। जब गाँव के लोग इस प्रकार वोट डालने आते हैं पुलिस के संरक्षण में, तो इसका मतलब रिएक्शन है। तो जो आपने कहा कि भाई हमने इस प्रकार का किया, हो सकता है इसका लाभ हमें मिला हो, बाकी इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार वो सरकार है। आप जो बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में ये था, उनके बीच में डर था, ऐसा है तो हिंदू सारा आपको ही वोट देना चाहिए था ना। ये जो आरोप लग रहा है ना कि हमने पोलराइजेशन किया, यदि पोलराइजेशन किया तो सारा हिंदू हमको वोट मिलता, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। पोलराइजेशन नहीं किया हमने बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया। हमने मोदी जी का चेहरा रखा, डेवलपमेंट की बात की, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात की, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की,
क्वालिटी एजुकेशन की बात की, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की बात की, हमने वही बात की। इसीलिए तो हमको 100% हिंदू वोट नहीं मिला। ये हमारे लिए एक रिसर्च का विषय है। वैसे 9 सीट थी उस समय लोकसभा की, वो 9 ही सीट हमारे लिए कमज़ोर है बहुत, और TMC का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, प्रभाव से ज़्यादा गुंडागिर्दी है उनकी वहाँ पर। लोकसभा में आपको 17% मिला था मोदी की 2014, विधानसभा हुआ 10% पे आ गया, फिर से लोकसभा हुआ 38% चले गया। उड़ीसा में भी अगर देखा जाए लोकसभा में 38% वोट मिला है और विधानसभा में 30% वोट मिला है। अगला चुनाव बंगाल में आपका विधानसभा का, मोदी जी का चेहरा तो एक चेहरा दिखने पर शायद आपको बम्प अप मिलता है, विधानसभा में चेहरा नहीं मिलने पर आप नहीं लगता क्या फिर से फिजर आउट होंगे? आप 128 प्लस 40 जोड़ रहे हैं लेकिन बिना चेहरे के, वहां का लोकल चेहरा हम लोग को नहीं पता आपका नेतृत्व है कौन है। रवि जी, लोकसभा और विधानसभा के बीच में एक चुनाव और होगा लोकल बॉडीज का भी, लोकल बॉडीज में हो सकता है हमको 10% ही वोट मिले, क्योंकि वो चुनाव नहीं होता, वो लोकल बॉडीज के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस, TMC और TMC के गुंडे एक लाइन में खड़े होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन, TMC के कार्यकर्ता, पुलिस और गुंडे एक साथ मिलकर लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा पिछली बार, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, मतलब हम कितना भी यहाँ बैठ कर अंदाज लगाएं पर बहुत ख़राब है, और इतनी ख़राब है कि 8 ज़िलों में डेमोग्राफी एकदम बदल गई है, वहाँ की बहुत ही ज़्यादा बदल गई। मतलब कुछ गांव तो ऐसे हैं कि यदि आप जब जाते हैं अंदर तो लगता है कि आप अपने देश में नहीं किसी दूसरे देश में खड़े हैं, और ये अभी भी चालू है। मुझे लगता है कि कभी ऐसा जम्मू कश्मीर में रहा होगा कि लोग गांव छोड़ छोड़ के वहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा वहां पर प्रारंभ हो गया है। बंगाल को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहां पर घुसपैठिए रोके जाएं, और जो चल रहा है वहां पर अवैध संचालन उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कैलाश जी, आपने बात करी कि BJP ने पूर्ण एग्रेशन नहीं किया, अभी इस चर्चा में जितनी बातें आई डेमोक्रेसी चेंज की, लग रहा है हमारे देश में नहीं है, 70% हिंदू वोट पूरा नहीं मिला, सारी बातें जो है हिंदुओं के आसपास ही आ जाती है वापस। तो पोलराइजेशन आप कह रहे नहीं करते, लेकिन फिर भी न मुसलमान को टिकट मिलता है, मुसलमान वोट की बात भी नहीं हो रही, तो ये पोलराइजेशन ही तो एक तरह का। हमने खड़े किए मुस्लिम उम्मीदवारों और हमें बहुत अच्छे वोट मिले, और वो भी सेकंड पोजिशन पर आए। मुर्शिदाबाद में हमारा उम्मीदवार सेकंड पोजिशन पर है, जंगीपुर में हमारा उम्मीदवार सेकंड में है, तो हमने मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े किए और हमें मुस्लिम वोट भी मिले। मैं आपको बता दूं, आप लोग इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे जब कैंपेनिंग करते हैं आप लोग डायनेस्टी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में आपका भी शुरुआत ही है इसी में, वहाँ पे आपका डायनेस्टी चल गया, अर्जुन सिंह जीते, उनका बेटा MLA जीता, मुकुल रॉय आए, उनके बेटे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस देश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती? डायनेस्टिक नहीं, देखिए हमारी मजबूरी है, हमारे पास अर्जुन सिंह के क्षेत्र में कोई उम्मीदवार ही नहीं था जिसको कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ा सकें, क्योंकि मुझे इस बात में स्वीकार करने में कोई मतलब बुराई नहीं है कि अर्जुन सिंह जी वहाँ के बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, इसलिए हमारी पार्टी का कोई संगठन ही नहीं था वहाँ पर, संगठन नहीं था वहाँ, तो ठीक है हमने कार्यालय बनाया, उस पर भी कब्जा अर्जुन सिंह के लोगों ने कर लिया था, मतलब कार्यालय हमारा, झंडा उसमें तृणमूल का, मतलब हमारी ऐसी हालत थी वहाँ पर। तो हाँ, मतलब ये चाहे तो आप ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसमें, तो वहाँ हमारा कुछ भी नहीं था वहाँ। अब उसमें अगर उसके लड़के के अलावा और कोई अगर हमें जीतना है, तो भाई ऐसा है पॉलिटिक्स के अंदर जो इलेक्शन होता है ना हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, इसमें स्वर्ण पदक और सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं होता है, हार या जीत होती, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे,
ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भाई इनको गोल्ड पदक मिल रहा है, इनको सिल्वर मिल रहा है, इनको ब्रांज मिल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। तो या तो हार होती है या जीत होती है। तो आपको अगर जीतना है तो फिर जीतने के लिए जीतने वाला उम्मीदवार ढूंढना पड़ता है। सर, पहले जैसे मैंने बोला कि आप ये टीएमसी का वोट शेयर तो कम नहीं हुआ, इसका मतलब आपको सीपीएम का वोट पूरा मिल गया? आपको स्मरण होगा एक प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था वहाँ, चुपचाप कमल छाप, है ना? तो मतलब मतदाता कितना स्मार्ट हो गया ये देखने वाली बात है। एक गांव में लोगों ने क्या करा कि हम बीजेपी का बोलेंगे तो हमको वोट डालने जाने नहीं देंगे, तो वो टीएमसी के कार्यालय में गए और सब लोग टीएमसी का बिल्ला लगा लिया उन्होंने, वो लगा के और वोट डालने गए, वो किसी ने रोका ही नहीं उनको, वो वोट डाल के आ गए, अंदर जाके उन्होंने चुपचाप कमल छाप। तो ये एक नई तकनीक वहाँ पर चालू हुई बंगाल में, यदि यदि आपको बिना पीटे वोट डालना है, बिना डर के वोट डालना है, तो अपने घर पे लगाओ तृणमूल का झंडा, बेज लगाओ तृणमूल का, बटन दबाओ कमल का। तो ये स्थिति वहाँ पर आ गई है। अब आपने जो प्रश्न किया उसका उसके जवाब पे आता हूँ मैं। वहाँ पर हिंसा जिस प्रकार हो रही है राजनीति में, वहाँ जिस प्रकार अनडेमोक्रेटिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उससे टीएमसी के लोग भी परेशान हैं। हमें टीएमसी का भी वोट मिला है, लोगों ने टीएमसी में रहते हुए हमको वोट किया, हमें कांग्रेस का वोट भी मिला है और हमें सीपीएम का वोट भी मिला है। एक और अभी एक सवाल के जवाब में आगे कैलाश जी आपने बोला था कि आपको मुसलमानों के भी वोट मिले, और एक दूसरे सवाल के जवाब में बोला कि एक जिले में आप जाएंगे तो लगता है कि अपने देश में नहीं, पूरा क्लियर नहीं, बट अजम्पशन था कि मुस्लिम इतने हो गए कि अपना देश नहीं लगता। ये विरोधाभास समझ में नहीं आता है, वो देश का नागरिक जस्ट बिकॉज मुस्लिम नहीं हो अपने देश का नहीं लगेगा। बीजेपी की ये जो है एक धारणा इमेज बनी है कि जहां मेजॉरिटी मुस्लिम हो जाता है वो देश, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला था कि वायनाड में जब राहुल गांधी लड़ने गए तो लगता है कि पीएम ने बोला था कि दूसरे जगह लड़ रहा है, अपना नहीं लग रहा। सो ये समझ नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं मुसलमान वोट लगा मिला है, लेकिन मुसलमान जहाँ मेजॉरिटी है वो लगता है देश का हिस्सा नहीं। वहां जाने के बाद जो वातावरण लगता है वो ये स्वीकार नहीं करता कि मेरा देश, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो एक कल्चर है, जैसे हम लोग, मुझे वहाँ जाने से मना किया गया था, तो मैं वहाँ टी शर्ट और जीन्स में गया था, प्राइवेट गाड़ी में गया था, सिक्योरिटी भी नहीं ले गया था, हमारे दो तीन दोस्त ऐसे ही निकल कर गए थे। तो वहाँ जाने के बाद जो लोगों से चर्चा करो, वहाँ पर होटल में गए हम, वेटर से मिले, ऐसा नहीं लगता उनसे बात करने में कि ये मेरा देश है और हम इस देश के लोग हैं, ऐसे उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से ऐसा नहीं लगता। क्या व्यवहार और क्या आचरण है जिससे नहीं लगता? एक कहीं पर भी आप देश में, हमारे देश में जाएंगे आप, तो एक अतिथि भाव के प्रति रिस्पेक्ट होता है, वह वो नेग्लेक्ट करते हैं आपको। हमारे देश की विशेषता यही है कि आज भी जहाँ मैं रहता हूँ मालवा में, आप यदि दोपहर को 11-12 बजे किसी गाँव से जाएँ गुजरें और उससे पूछे कि भाई ये इछावर गांव कहाँ पर है, कितनी दूर है यहाँ से, उस गांव में खाली पूछेंगे तो कहेगा कहाँ से आ रहे हैं आप, तो आपने कहा हम दिल्ली से आ रहे हैं, अच्छा बैठिए पानी पहले लेकर आएंगे, वो आपने भोजन किया कि नहीं किया, गांव आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, पहले आपसे पूछेगा वो कि पानी पिया कि नहीं, आपने भोजन किया। आज भी हमारे यहाँ संस्कार है, ये हमारे देश की क्वालिटी है, ये हमारे देश की विशेषता, अतिथि देव भाव, ये हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है। पर जहाँ पर आप गए वहाँ पर आपको कोई उपेक्षा की नज़र से देखे, ऐसा लगे कि हम यहाँ पर बोझ बन गए, हम जा रहे हैं वहाँ, तो उनकी आँखों में खटक रहे हैं यदि आप, तो आपकी नज़रें इस बात के लिए समझ जाएगी कि ऐसा लग रहा है कि हम इनके लिए बोझ, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए थोड़ी देर भी। ये ऐसा कोई माइंडसेट बना हुआ नहीं है। मैं बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों में जाता हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदौर में सबसे ज़्यादा बीजेपी का अगर कोई मुस्लिमों के कार्यक्रम में कोई जाता तो मैं जाता हूँ, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट मिलते हैं तो मुझे मिलते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कोई हम मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाते, पर वहाँ जाने के बाद मुझे ये फीलिंग हुआ, इसलिए कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि आपको व्यक्ति
देखने के नज़रिए से आपको अंदाजा लग जाता है कि ऐसा लगता है कि हम उसकी आंखों में खटक रहे हैं। कैलाश जी, आपने मध्य प्रदेश में तो राजनीति की ही है, आपने हरियाणा किया था, हरियाणा जिला है, यूपी में भी 2017 में आपकी जिम्मेदारी मिली थी, आप बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल, मतलब आपको अपार्ट फ्रॉम द वायलेंस, बॉडी पॉलिटिक्स में, जनता में के में पॉलिटिक्स करने में और इसमें क्या अंतर समझ में आता है इतना लंबा करियर देखने के बाद? जनता में क्या, ये रिप्रेशन और वो वायलेंस तो सबने रिकॉर्ड किया हुआ, जनता के जनमानस में क्या अंतर नजर आया? उत्तर प्रदेश में हर दो घर छोड़कर एक नेता है। आप जैसे गए रवीश के यहाँ, इधर वेणु के यहाँ गए और इनको छोड़ा और ये नेता है, सरदार जी नेता है, इनको छोड़ा, मेरे को छोड़ा, इनको छोड़ा, पर ये नेता है, मतलब दो घर छोड़कर नेता है वो। वहाँ राजनीति लोगों में बहुत मतलब कूट कूट के भरी हुई है, लोग एकदम बहस कर लेते हैं बंगाल के अंदर, तो वहाँ बात करने में, राजनीतिक बहस करने में लोग तर्क से बात करते हैं, लोगों से बात करो तो लोग, जैसे किसी जाटों समाज के व्यक्ति से चले जाओ तो वो फिर पूरा इतिहास बताता है, मतलब इतना मैच्योर है वो पॉलिटिकली कि वो बाबा साहब के साथ क्या हुआ था, वो जब पढ़ने गए थे जब क्या हुआ था उनके साथ, हमारे साथ उस ज़माने से ज्यादती हो रही है और ऐसा और वैसा, उनको क्लास में से बाहर निकाल दिया था, ये वो, वहाँ से चालू होता है वो, मतलब वो बड़ा उसको राजनीतिक समझ है। ऐसे ही फिर अगर किसी यादव के पास बैठ जाओ तो पिछड़ों की क्या हालत थी और इस प्रदेश में तो हमेशा अगड़ों ने राज किया और जैसे हमारा आया तो उसके बाद फिर तो वो बराबर पिछड़े की राजनीति के बारे में आपको पूरा गणित समझा देगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ना वो आम मतदाता में बहुत है। फिर आप हरियाणा में जाओ, हरियाणा में बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ देश के सबसे पवित्र दिल के लोग कहाँ रहते हैं, साफ मुँह पर बोलने वाला, तो हरियाणा में। तो मैं इंदौर से, इंदौर में ट्रांसपोर्ट का काम सब हरियाणा के लोग करते हैं, तो वहाँ 1,500 कार्यकर्ताओं की मैंने एक बैठक ली और मैंने कहा सब अपने अपने गांव जाओ और हरियाणा में एक महीने के लिए वहीं रहो। मेरे सब, मेरे कार्यकर्ता मेरे विधानसभा क्षेत्र में थे, वो सब आ गए यहाँ पर, आ गए, उन्हें एक गाँव में कार्यक्रम रखा, मैं उस गाँव में गया तो बड़ा मेरा सम्मान, फूल वूल से, माला वाला से सब लोगों ने किया, पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए, ताऊ लोग इकट्ठे हो गए, हुक्का हुक्का, मुझे हुक्का भी उन्होंने अलग प्रकार का, एक पीतल लीतल का था बड़ा सुनहरा सजा के मेरे सामने रखा, मैंने कहा मैं तो पीता नहीं बताऊँ। फिर बात बात हुई, फिर मैं जाने लगा तो अच्छा भाई, मैंने कहा आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, तो इधर उधर सब देखने लगे, तो मेरे को अच्छा मक्खन खिलाया वहाँ, छाछ पिलाई, ए भाई मक्खन और खा ले, छाछ और पी ले, और हम तो चौटाला के लोग। फिर यदि मैं बंगाल में जाता हूँ, सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ा जाता है बंगाल के अंदर, आप सुबह कहीं पे भी निकलो यदि उसकी अखबार खरीदने की कैपेसिटी है तो वो अखबार पढ़ता है, तो क्लब में जाके पढ़ता है, किसी दुकान पे जाके पढ़ता है, पर अखबार ज़रूर पढ़ते हैं लोग। लोग टीवी भले ही कम देखें पर अखबार पढ़ने की मतलब रीडिंग, जहाँ तक मेरे, हो सकता है मेरा सामान्य ज्ञान गलत हो पर मेरा अनुभव ये कि बंगाल में लोग पढ़ते बहुत हैं, पढ़ते हैं और बोलते कम हैं। वहाँ आदमी तर्क वितर्क नहीं करेगा, वो मतलब पढ़ता है और गुणता है मन में, पर उससे बाहर निकलवाना बड़ा मुश्किल है बंगाली आदमी से। आप क्षमा करना बंगाल के लोग जो बैठे हुए, नहीं तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल से खुल के बात करता वो, पता नहीं अभी या पहले से, पर अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, अभी के पीरियड में महसूस कर रहा हूँ बंगाल का, बंगाल के बारे में वो ये है कि वहाँ पर लोग बहुत मुश्किल से खुल के बात करते हैं, बड़ा बहुत इमोशनल लोग हैं, अपने कल्चर के प्रति, अपनी भाषा हो, अपने संस्कार हो, अपनी संस्कृति के प्रति बड़ा उनको गर्व भी है और बहुत ध्यान भी रखते हैं उस पर, तो वहाँ लोग इमोशनल हैं बहुत, एक अलग प्रकार के वहाँ पर वातावरण में, मतलब लोग स्टूडियस हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो मैंने फोकस की वहाँ के, कि वहाँ की महिलाएं अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति बहुत चिंतित हैं और इस गिरते हुए एजुकेशन स्तर पर के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कैलाश जी, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ सकते, मतलब सवाल उस पर, मध्य प्रदेश हारे क्यों? हम दो कारण हैं, एक कारण तो
15 साल से हमारी सरकार थी और हमारे पास कुछ नया दिखाने को नहीं था। 15 साल पहले जो मध्य प्रदेश की हालत थी, अब तो शायद मध्य प्रदेश उस वक्त गए हुए है ना, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, इन 15 वर्षों में हमने वो सब काम कंप्लीट कर दिया। पर जो व्यक्ति उस समय 5 साल का था या 4 साल का था, वो वोटर बन गया 15 साल बाद, उसको हम समझा नहीं पाए कि 15 साल पहले प्रदेश ऐसा था और हमने इसको ठीक किया है। वो पहली बार वोट डालने आया तो उसने, उसको राहुल जी का चेहरा अच्छा लगा, राहुल जी के चेहरे पे उस राहुल जी ने कहा कि मैं 8 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 4-4.5 महीने हो गए, कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगार नौजवानों के लिए कहता था 8 दिन के अंदर आपको बेरोजगार नौजवानों को भत्ता प्रारंभ हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको आपकी सारी सोसाइटी का कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं हुआ। लोग इस लोकसभा में उन्होंने ठगने वाले राजनीतिक दल के गाल पर करारा तमाचा लगाया। ट्रेडिशनली सर, बंगाल में राम भगवान इनका पूजा का उतना चलन था नहीं, मैं जब रहती थी तब था नहीं, पर अभी बहुत ज्यादा रामनवमी का सेलिब्रेशन का जो स्केल है वो बहुत बढ़ गया है। हनुमान के लिए एक्चुअली लोग मंगलवार को वेजिटेरियन खा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो somehow ये जो चेंज हुआ इन द रिलीजियोसिटी, क्योंकि ट्रेडिशनली बंगालीज आर गॉडेस वर्शिपर्स, वी हैव नॉट बीन राम और हनुमान वर्शिपर्स, ये जो चेंज हुआ, ये जिस तरह से भी हुआ, एक तो ये कैसे हुआ अगर इफ यू हैव सम थ्योरी आई वुड लाइक टू नो, और दूसरा इस चेंज का इस वोटिंग पैटर्न पे क्या असर हुआ? ऐसा है कि कोई भी एक्शन होती है ना, और उसकी एक रिएक्शन होती है। यदि कोई एक्शन ऐसी हो जाए जो आपको, मुझे, किसी को भी प्रभावित करे उस एक्शन से, तो उसकी फिर रिएक्शन होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर 4 साल पहले तक भी हनुमान जयंती और रामनवमी का जुलूस ऐसे नहीं निकलता था कि कोई कोई हर ज़िले के अंदर छोटे छोटे पॉकेट में लोग निकालते थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। एक्चुअल में इनको दबाया गया जब इस जुलूस को, हनुमान बन के जो बच्चे बैठे हनुमान का सोठा लेकर, उनके ऊपर 25 आर्म सेट का मुकदमा कायम कर दिया। रामनवमी का जुलूस निकला तो साधारणतः पहले परमिशन नहीं लेते थे, ऐसे जुलूस निकाला और निकाल देते थे। उन्होंने परमिशन नहीं ली, रामनवमी का जुलूस निकला तो मंदिर के पुजारी सहित सब लोगों को बंद कर दिया, 100-150 लोगों को बंद कर दिया। उसकी समाज में रिएक्शन हुई। फिर अगली रामनवमी आई तो उन्होंने परमिशन ली, परमिशन लेके जब रामनवमी का जुलूस 100 का निकलता था, उस दिन 2000 लोगों का निकला। एक हनुमान बनते थे, 50 हनुमान बन गए। ममता जी के सामने जय श्री राम बोला तो उन लोगों को ले जाके बंद कर दिया, पूरे गांव के लोगों ने फिर जय श्री राम बोल के वोट डालने गए। तो ये जो विज्ञान का न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन देयर इज, क्या है सर, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो ऐसे ही कुछ है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है 10 साल बाद क्या होगा बंगाल का हालत? ये आप जो राम वर्सेस चीफ मिनिस्टर नमाज करिए, अभी थोड़ा सा अब कुछ अब बंगाल का बहुत अच्छा भविष्य, अब कुछ भी नहीं होगा। 10 साल बाद क्या लगता है आपको, वहाँ पे जो सोशल फैब्रिक में क्या होगा? अच्छा होगा। देखिए, यदि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी वहाँ पर आ जाएगा इस बार पार्लियामेंट में, और हम NRC भी लागू करेंगे वहाँ पर। तो कम से कम 1 करोड़ घुसपैठिए वहाँ संदिग्ध हो जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और ये जो घुसपैठिए हैं, ये कुल मिलाकर बंगाल की जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वो 2 रुपये किलो का चावल ले रहे हैं तो जो बंगाली वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है उसके अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि वो एजुकेशन ले रहे हैं तो फ्री एजुकेशन, तो जो बंगाल के लोग हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बंगाल के लोगों को, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं वो। तो इस प्रकार के घुसपैठिए यदि आइडेंटिफाई होंगे तो उसका लाभ बंगाल को मिलेगा और घुसपैठियों को रोकने की कार्रवाई की जाएगी तगड़ी, जैसे आसाम में हो गई।
और स्टेट रिलेशनशिप विद सेंटर क्या हो गया? अगर मान लीजिए सब कह रहे हैं कि जो छोटा इलेक्शन भी आएंगे वहाँ पे टीएमसी का जीतना शायद मुमकिन है आगे जाकर, अगर ममता बनर्जी रिमेन्स चीफ मिनिस्टर, हाउ विल द स्टेट रिलेशनशिप विद सेंटर बी? तो बहुत हीटेड कॉन्टेस्ट रहा। देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में उस दिन कहा कि जो जिन्होंने हम पे भरोसा किया हम उनके भी हैं, वो जिन्होंने हमसे हम पे भरोसा नहीं किया उनको भी हम अपना बनाएंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि इस मंत्र को मोदी जी ने एक शब्द और जोड़कर बढ़ाया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें एक शब्द और जोड़ा है। तो सबका विश्वास अर्जित करना भी हमारी जवाबदारी भी, क्योंकि हम सरकार में तो हमारी तो हम करेंगे और हमारी तरफ से प्रयास करते ही हैं। आपने देखा होगा कि इतनी राजनीतिक कटुता के बीच में प्रधानमंत्री जी ने ममता जी को जब तूफान आया तो फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया, वो बात दूसरी कि उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने उसके बाद फिर ये बोला मैं तो आपको प्रधानमंत्री नहीं मानती, मैं तो मेरे को तो ऐसा गुस्सा था कि मैं लप्पड़ मार दूँगी, और जो उनको बोलना था उन्होंने बोला, वो उनका स्तर है। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने जवाबदारी का निर्वहन किया। कैलाश जी, आपने शुरुआत में कहा था कि पार्टी के लिए दो स्टेट जो मुश्किल थी, एक थी वेस्ट बंगाल, दूसरी केरला। केरला में शबरीमाला को लेकर भी काफी मूवमेंट हुआ, लेकिन जिस तरह का लाभ वेस्ट बंगाल में मिला पार्टी को, केरला में नहीं मिला इस बार। तो वहाँ क्या नाकामी रही और आगे जाके क्या चेंज करना चाहेंगे केरला के? एक मिथक टूटा है कि टीएमसी को हराया जा सकता है और ये जीत सकते हैं, ये मिथक टूट गया बंगाल में। जिस दिन ये मिथक वहाँ पर टूट जाएगा कि बीजेपी जीत सकती है तो वो सारा वोट बीजेपी को मिलेगा। अभी वहाँ पर हम ये वातावरण नहीं बना पाए कि बीजेपी जीत सकती है। जिस दिन ये वातावरण बन गया उस दिन ये सारा वोट इधर आ जाएगा।